टमाटर के किसानों को उत्सुकता बनी हुई है कि टमाटर के भाव में उछाल आएगा कि कमी आएगी, तो किसानों की समस्याओं को इसी समस्याओं को दूर करने के लिए हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग कृषि उपज मंडी में। यहाँ के व्यापारी से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या टमाटर का भाव चल रहा है और आगे जाके टमाटर का भाव क्या रहेगा। तो हम आ गए हैं गोल्डी भाई के पास, गोल्डी भाई से मिलते हैं और टमाटर भाव को जानते हैं। भैया, दुर्ग सब्जी मंडी में 5 अक्टूबर 2024 को अभी क्या भाव रहा टमाटर का? नमस्कार भैया। नमस्कार। टमाटर बिका भी आज 1300 रुपए से लेके 1600 रुपए तक बिका टमाटर अपने यहाँ। तो क्वालिटी कैसी रही भैया इसकी? अभी तो एकदम अच्छा भी नहीं बोल सकते क्योंकि अभी शुरुआत है टमाटर का निकलना। और जैसे मैं पहले भी बताया था कि टमाटर का रेट आने वाले समय में और बढ़ेगा करके, पिछले हफ्ते की अपेक्षा टमाटर के रेट डबल हो गए। इस हफ्ते रेट पिछले हफ्ते अच्छा। बिक रहा था 800 से 1000 रुपए, आज बिका 1200 रुपए से लेके 1600 रुपए। टमाटर का क्वालिटी देख के आने वाले समय में और अच्छा रेट रहेगा टमाटर का, आने वाले समय में और बढ़ सकता है, मतलब 2000 तक भी जा सकता है क्या? हाँ ऐसा ना, ये एक अनुमान है अपना। और भैया तो मार्केट है, मतलब पिछले हफ्ते ज्यादा उछाल आया इस समय? हाँ इस हफ्ते, और जैसे पिछले हफ्ते टमाटर बिक रहा था 700 से लेके 1000 रुपए तक, इस हफ्ते भी क्या, जैसा मैं किसान भाइयों को पहले भी बताया था कि टमाटर का रेट आने वाले समय में और बढ़ेगा, जैसे इस हफ्ते बढ़ा है, जैसे आपका आज टमाटर भी क्या 1200 रुपए से लेके 1600 रुपए तक। अरे वाह, मतलब क्वालिटी देख देख के। हाँ जी। अच्छा अच्छा भैया, जैसे माल अगर आ रहा है आपके पास मंडी में तो कहाँ से आ रहा है? यही लोकल गाड़ियों से आ रहा है आपका, और बाहर से भी आ रहा है गाड़ी। तो बाहर में किधर से आ रहा है भैया? साउथ से आ रहा है, अभी साउथ और महाराष्ट्र से गाड़ी आ रहा है। साउथ और महाराष्ट्र से? अच्छा अच्छा, तो वहाँ की क्वालिटी कैसी है अभी? तो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं आ रहा है बाहर का टमाटर, अभी बाहर बारिश होने से फर्क पड़ा है टमाटर की क्वालिटी में। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ भी बारिश होने के कारण माल कम आ रहा है क्या? हाँ जी, माल हाँ बहुत कम हो गया अभी बारिश की वजह से, आधा ज्यादा किसान भाइयों का माल इसमें खराब हुआ है, और किसान भाइयों का माल निकल रहा है, बहुत अच्छा रेट पा रहे हैं। तो ये जैसे ब्लाइट लगा हुआ आ रहा है कि साफ माल आ रहा है? कुछ हल्का दागी छीटा वाला भी आ रहा है, साफ माल भी आ रहा है। जैसे जैसा माल आ रहा है वैसा वैसा नीलाम करके बेचते जाते हैं, वैसा रेट रहता है माल का। अच्छा, जैसे लोडिंग चालू हो गया है क्या? हाँ लोडिंग चालू हो गया है। तो लोडिंग जैसे चालू हो गया है तो लोडिंग में माल कहाँ जा रहा है बाहर अभी? अभी तो उड़ीसा ही जा रहा है माल। अच्छा, कलकत्ता उड़ीसा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भैया जैसे लोडिंग में फायदा क्या रहता है किसानों को? लोडिंग में किसानों का ये है कि उसका माल उसके जगह से बिक जाता है, उसके बाड़ियों से बिक जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो भैया अपने दुर्ग मंडी में अगर किसान भेजे तो मंडी में भेजने से क्या फायदा रहेगा? मंडी में भेजने से किसान भाइयों का ये फायदा है कि यहाँ हल्का, जो हल्का माल है, लो क्वालिटी का माल है, सेकंड नंबर, हाँ सेकंड नंबर का माल जो है, जो लोडिंग में जो नहीं जाता वो यहाँ बिक जाता है। अच्छा भी माल बिक जाता है, हल्का भी माल बिक जाता मतलब है, कहने का अच्छा माल मतलब सभी प्रकार का माल यहाँ बिक जाता है। अच्छे माल का भी रेट अच्छा मिल जाता है, और जो माल लो क्वालिटी का रहता है उसका भी रेट मिल जाता है। लोडिंग वाले जो है तो एक नंबर माल लेके जाएंगे। हाँ लोडिंग वाले तो एक नंबर ले जाएंगे, अब बाकी को छोड़ देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो यहाँ मंडी लाने से फायदा है कि सभी प्रकार का माल यहाँ बिक जाता है। और लोडिंग में एक चीज ये भी है कि अगर आपका माल का क्वालिटी गिरा तो लोग आएंगे भी नहीं, लेकिन मंडी हमेशा खुला है। हाँ। जैसा भी माल है वो यहाँ से सेल होते रहता है, तो मंडी में ज्यादा फायदा है किसानों को। जी जी ठीक ठीक भैया, धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।